दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं अखिलेश जी, डिंपल जी, और रात को दोनों लोग जा करके योगी जी, मोदी जी को गुलदस्ता भेंट करते हैं कि शरणम गच्छामि। तो जनता के पैसे को ठगने वाले लोग हैं, जनता को लूटने वाले लोग हैं। इन लोगों ने एक बहुत बढ़िया नारा बनाया अंदर कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। उत्तर प्रदेश में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपने बयान को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव और उनके परिवार पर जमकर जुबानी हमले किए। इस दौरान सुभाषपा प्रमुख ने एक चौंकाने वाला वादा किया है। ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को मैनपुरी में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव का नाम लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा, अंदर की बात आप नहीं जानते हैं। दिन में बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों बोलते हैं, लेकिन दोनों ही रात में जाकर योगी जी और मोदी जी को गुलदस्ता भेंट करते हैं। उन्होंने आजमगढ़ के आगामी चुनाव को लेकर कहा, आजमगढ़ में सपा का खाता नहीं खुलेगा। इसी के साथ उन्होंने विपक्षी नेताओं पर भी जमकर तंज कसा है। इससे पहले बलिया में शिवपाल यादव से ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने के दावों पर सवाल किया गया तो उन्होंने तंज कसा। शिवपाल यादव ने कहा, एक बार फिर हम महाराज जी से उनके लिए सिफारिश कर देंगे कि जल्दी इन्हें दे दो। वही अखिलेश यादव ने भी वाराणसी में सुभाषपा प्रमुख पर जुबानी हमला बोला था। इससे पहले सुभाषपा प्रमुख ने कहा था, तीन बैठक के बाद तीन राज्य गायब हो गए हैं, अब चौथी बैठक कर रहे हैं, रिजल्ट सामने है और कोई कहने की बात नहीं है। उन्होंने कहा, मैं बार बार कहता था ये विपक्षियों ने ठाना है मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है। आपने देखा, अखिलेश जी लपट गए, नीतीश जी लपट गए, सारे लोग लपट कर जितवा रहे हैं। 2024 कोई लड़ाई नहीं है, जब विपक्ष के लोग खुद जितवाने में लगे हुए हैं तो लड़ाई कहाँ है। सपा के नेता अखिलेश यादव हटकर सहयोग कर रहे हैं, ये आरोप कांग्रेस के लोग भी बता रहे हैं। लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। और नहीं, देखो जो आप डिंपल की चर्चा कर रहे हो ना, आप अंदर की बात नहीं जानोगे। दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं अखिलेश जी, डिंपल जी, और रात को दोनों लोग जा करके योगी जी, मोदी जी को गुलदस्ता भेंट करते हैं कि शरणम गच्छामि है, समझ रहे हो। चलिए आप देख लीजिए, शायद ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहे होते तो समाजवादी पार्टी को 47 सीट मिली थी, हम नहीं थे ना। हमारे जाने पर 125 पाए हैं, चाहे वो जितना बहक लें। और हश्र वही होने जा रहा है जो 2017 में हश्र था, उससे भी बदतर हश्र होने जा रहा है। अच्छा ये बताइए, आजमगढ़ भी गढ़ था ना, खत्म हो गया ना, ये प्रदेश किसी का गढ़ नहीं है, ये पहले का नहीं, ये पहले कांग्रेस का हुआ करता था। आप उठा के देखिए, ये कांग्रेस का गढ़ था पूरा प्रदेश, वो ख़त्म हुआ, फिर सपा बसपा, कुछ दिन सपा कुछ दिन बसपा। अब दोनों आप देख लीजिए, शायद ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहे होते तो समाजवादी पार्टी को 47 सीट मिली थी, हम नहीं थे ना। ये देखिए एक नारा बता दें, आपने गठबंधन का नाम लिया है, तो जनता के पैसे को ठगने वाले लोग हैं, जनता को लूटने वाले लोग हैं। इन लोगों ने एक बहुत बढ़िया नारा बनाया अंदर कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। विपक्षियों ने ठाना, विपक्षियों ने, उदाहरण देख लो आपने भोपाल मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी के बयान, गठबंधन है, कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस जो है भाजपा की समर्थक समर्थन करती है, उनका बयान है। और कांग्रेस का बयान क्या आया कि समाजवादी पार्टी बी टीम है। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।